कि एक एक लाख रुपए की चादरें हम कब्रों पे डालें? ना हमारा मजहब इजाजत देता है, ना हमारा मसलक इजाजत देता है। जिस मसलक के आला हजरत पर हमारी जान और दिल फिदा है, उस इमाम ने तो यहां तक कैद लगाई, एक ही चादर होनी चाहिए कब्र पर, दूसरी की इजाजत नहीं एक की मौजूदगी में। क्यों? इसलिए कि एक जरूरत के तहत डाली गई है कि आम आदमी की कब्र में और वली की कब्र में फर्क हो जाए, बस उससे मकसद पूरा हो गया। लेकिन मेरी कौम के लोग सिर्फ नामो नमूद के लिए, सिर्फ रियाकारियों के लिए, झूठी शोहरतों के लिए एक एक लाख की चादरें कब्रों पे डालते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, लाख की बजाय 100 रुपए की चादर कब्र पे डाल दे और वो पैसे बचाकर उसी बुजुर्ग के इसाले सवाब के लिए अगर हम एजुकेशन की फील्ड में खर्च करें, इससे बड़ा इसाले सवाब क्या होगा कि हमने अपनी कौम को एजुकेशन अता कर। लेकिन ये फिक्र कहां है? हमें तो नाम चाहिए कि फुला तो 1 लाख की चादर ले गए अपने पीर साहब की बारगाह के अंदर, और हमारा हाल यह कि अब हम भी बोलने की हिम्मत नहीं करते, हम भी बोलने की हिम्मत नहीं करते। क्यों? इसलिए कि मैं बोलूंगा तो आइंदा मेरे जलसे का क्या होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर हमने कौम को रज़ाक समझ लिया है तो हमें तकरीर करने का हक क्या है? हमें गुफ्तगू करने का हक क्या है? जो काम उर्स के नाम पर एक लेडीज कव्वालन को मेकअप करके बेपर्दा बुलाती है और 35-35 हजार रुपये उस पे उड़ा देती है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कुदरत क्या तुमसे कयामत के दिन नहीं पूछेगी जिस कौम की बेटियां सिग्नलों पे भीख मांग रही थी, वो कौम 30-30 हजार रुपए एक कव्वालन नचनिया पे उड़ा रहा था और वो भी उर्स के नाम पे उड़ा रहा था। जिस मजहब में औरत से कुरान सुनने की इजाजत नहीं, वो मजहब औरत से गजल सुनने की इजाजत कैसे दे सकता? उर्स का मकसद क्या था? तुमने उर्स का मकसद क्या बनाया? बोलने वालों को गालियां देते हो? हाँ, मुझे जी भर के गालियां दे दो, मैं तुम्हारी परवाह थोड़ी करता हूं। मैंने तो तुम्हारी खुशी की नहीं, अपने रब की खुशी की कहनी, क्योंकि हमारा मसलक यह है करूं मदहा अहले दुआ रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना मिली।